जय हिंद कुछ महा वीडियो को शेयर और किसकी रचना है, आनंद अरुणोदय बताना है। चार विकल्प आपको दिए जाते हैं। सबसे पहला विकल्प आपका है जगमोहन सिंह की है, दूसरा भारतेंदु, तीसरा प्रेमघन और चौथा राधा कृष्ण दास की। तो किसकी रचना है दोस्तों आनंद अरुणोदय, ये हमें बताना है। और जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना जितने भी साथी ने नहीं किया है, और जिन साथियों को क्या नहीं पहुंचती है, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, वो बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, ठीक है। बेल आइकन को आपको ज़रूर दबाना है और ऑल पर क्लिक करना है बेल आइकन को दबाकर। और आज का जो पहला प्रश्न है कि दोस्तों अगर कोई प्रेम से बोल दे, प्रेम से अगर दो शब्द बोल दे तो आपको क्या आ जाता है, बोले आनंद आ गया सब, है ना। आनंद आ गया तो प्रेम घन, है ना, प्रेम घन, और प्रेम की अगर घन छा जाए तो आनंद आ जाता है, है ना। तो इसलिए सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आनंद प्रेम घन। अब दोस्तों यहाँ पर राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, जगमोहन सिंह, प्रेम घन, ये सभी भारतेंदु युग के कवि हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन आपको बताना, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, प्राचीन और नवीन का समन्वय, या फिर प्राचीन व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा, या फिर सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव। तो भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो विशेषता क्या है। भारतेंदु जी के बारे में जब तक मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म हुआ था 1850 में और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, किसकी, भारतेंदु जी की। भारतेंदु युग का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, भारतेंदु युग। और इनका एक जो दोस्तों भारतेंदु मंडल था, भारतेंदु मंडल। और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ जो कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1844 में, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट की जब बात आ ही गई है दोस्तों, तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, है ना। तो याद रख लेना है, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, है ना। और भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी जो विशेषता थी कि व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा, यानी कि आपका जो उत्तर है वो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा, ये भारतेंदु युग की कविता की सबसे बड़ी विशेषता थी, यानी आपका उत्तर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। अगला बताना है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। अब दोस्तों कामायनी की यहाँ पर जब बात आ गई है तो कामायनी के बारे में भी जान लेते हैं। जब तक आप उत्तर का चयन करेंगे, जब तक मैं आपको बता दूं कि कामायनी का जो सन माना जाता है, जो काल माना जाता है, प्रकाशन काल माना जाता है, वो 1935 माना जाता है। कामायनी 15 सर्ग हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। और दोस्तों इसमें श्रद्धा किसका प्रतीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। तो कामायनी में जो श्रद्धा प्रतीक है वो हृदय का प्रतीक है, हृदय यानी कि और में विराजमान, और का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो सी नंबर है, जिन्होंने सी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं कि हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है। दोस्तों स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता बताना है, श्रीधर पाठक हैं, निराला हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, या फिर प्रसाद जी हैं। और आपको पता होगा कि दोस्तों जो अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या किया कि ये संपादक थे काय के सरस्वती पत्रिका के, और जो छंदमुक्त रचना इनकी जो थी वो कौन सी थी, निराला जी की कौन सी थी, जूही की कली थी। और जूही की कली को प्रकाशित करने से मना कर दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और फिर आगे चलकर ये जूही की कली जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध हुई, और ये जो है दोस्तों प्रसिद्धि का आधार बनी निराला जी की। निराला जी यानी बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। इनका एक शोक गीत है दोस्तों, कौन सा, सरोज स्मृति, संसार का सबसे शोक गीत माना जाता है इनका, निराला जी का सरोज स्मृति। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, है ना। और ठीक है, अगला पूछा जाता है कि छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है, रुद्र बताना है किसे कहा जाता है। चार विकल्प में से आपको उत्तर बताना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि जो महादेवी वर्मा है दोस्तों, महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो इनका फैक्ट आता है कि इन्हें क्या कहा जाता है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, ठीक है। दूसरा फैक्ट आपका आता है दोस्तों कि महादेवी वर्मा की जो यामा रचना है इसे 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। और जो महादेवी वर्मा जी हैं ये छायावाद की आधार स्तंभ मानी जाती हैं, ठीक है। और महादेवी की रचनाएं हैं रश्मि, नीरजा, सरोज, ये सभी हैं, ठीक है। हाँ, बेटी है सरोज, सरोज स्मृति। और महादेवी वर्मा के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन जो रुद्र कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, निराला जी को कहा जाता है। और दोस्तों इनकी एक रचना और पूछी जाती है, तोड़ती पत्थर, है ना, तोड़ती पत्थर यथार्थवादी रचना है इनकी, तोड़ती पत्थर, है ना, ऐसा पूछा जाता है। तोड़ती पत्थर किस प्रकार की रचना मानी जाती है, तो यथार्थवादी मानी जाती है। और पंत को प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है, प्रकृति का चितेरा कवि। और नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को क्या माना है, छायावाद का प्रवर्तक माना है। किसने, नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का प्रवर्तक मान लिया। और प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है, तो जोशी साहब ने माना है, ईला चंद्र जोशी साहब ने, ठीक है। तो ये छायावाद के चार आधार स्तंभों में से हमने इनकी बात कर ली, इनके बारे में जान लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लोकायतन किस प्रकार की रचना है दोस्तों, लोकायतन, लोकायतन बताना है। जब तक मैं आपको बता दूं कि जो लोकायतन रचना है ये पंत जी की है, किसकी है, पंत की, हाँ, राम की शक्ति पूजा भी इनकी लंबी कविताओं में से एक है, और निराला जी की। और लोकायतन बताना है तो लोकायतन ये पंत की रचना है, और ये किस प्रकार की है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक है, गीति नाट्य है, या फिर चंबू काव्य है, ये हमेशा आपसे पूछा गया है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लोकायतन, और लोकायतन जो काव्य रचना है दोस्तों ये महाकाव्य है, किसका, महाकाव्य है लोकायतन, पंत जी का है। बहुत ही बढ़िया, हाँ, सजल गीतों की गायिका भी उन्हें कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को, है ना, सजल गीतों की गायिका। और लोकायतन महाकाव्य पंत जी का है, ये चीज़ भी याद रखनी है, है ना। और ये प्रबंध काव्य है, इसलिए याद रखना, प्रबंध काव्य की आपको पता है महाकाव्य और खंडक काव्य दो भेद होते हैं प्रबंध काव्य के, ठीक है। तो ये प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है पंत जी का। अगला क्वेश्चन है, आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है, छायावाद का जनक मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो उत्तर बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी। निराला जी ने माना है, मुकुटधर पांडे ने माना है, जयशंकर प्रसाद, या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने माना है। तो किसने मान लिया दोस्तों, नंदलाल वाजपेयी को छायावाद का जनक, ये सॉरी, नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद का जनक। और नंद की बात आ रही है तो नंद, नंद किसे मानेंगी, नंद दुलारी वाजपेयी पंत को मानेंगी, है ना, डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, पंत जी को माना है। और मुकुटधर पांडे को किसने माना है, तो शुक्ल जी ने माना है ना, मुकुटधर पांडे को शुक्ल जी ने, और सुमित्रा नंदन पंत को दुलारी वाजपेयी ने, ईला चंद्र जोशी ने माना है जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है, ये भी याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है, छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर नंदलाल वाजपेयी ने, या सुमित्रा नंदन पंत ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों कई बार, ठीक है। तो छायावाद को चित्रभाषा शैली जो कहने वाले हैं, जिन्होंने कहा है, वो कौन ने कहा है, और आपका बिल्कुल सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल ने चित्रभाषा शैली कहा है दोस्तों, चित्रभाषा शैली, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्रभाषा शैली कहा है। और अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे दोस्तों, किस उपनाम से लिखते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। और जो वैद्यनाथ हैं, वैद्यनाथ, ये नागार्जुन लिखते थे वैद्यनाथ नाम से, ठीक है, नागार्जुन। और अपने जकी नाम से जो लिखते थे वो कौन लिखते थे, जकी, और जकी नाम से लिखते थे कौन, रत्नाकर जी, है ना। नवाब राय किसका नाम था, नवाब राय प्रेमचंद जी का, तो आपको याद रख लेना है कि रत्नाकर जी जकी उपनाम से लिखते थे, वैद्यनाथ उपनाम जो है नागार्जुन का वास्तविक नाम है। और दोस्तों कलाधर नाम से लिखते थे, कलाधर नाम से कौन लिखते थे, अपने जयशंकर प्रसाद लिखते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और आपका जकी बिल्कुल सही होगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? सूफी कवि बताना है, यानी कि 39 का उत्तर बताना है। जायसी है, मुल्ला दाऊद है, नूर मोहम्मद है, या फिर मुल्ला बजी है? तो सूफी कवि कौन है यहाँ पर बताना है, प्रथम सूफी कवि। और प्रथम सूफी कवि में जब हम बात करते हैं कि प्रथम जो सूफी कवि हैं वो कौन है, और जायसी का एक प्रथम ग्रंथ है दोस्तों कौन सा, पद्मावत। पद्मावत है, और ये दोस्तों आपको पता है प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य माना जाता है पद्मावत। इस अवधी भाषा में लिखा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। और सूफी कवि कौन है, तो सूफी कवि हैं प्रथम मुल्ला दाऊद है। मुल्ला दाऊद यानी कि मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो कौन सी है, चंदायन है, चंदायन, ठीक है, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, और प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब ये बताना है दोस्तों, सिखों का एक बहुत ही बृहद ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, और इसका संकलन किसने किया ये चीज़ बतानी है। और आपको पता है दोस्तों कि जो सिखों के प्रथम गुरु थे वो कौन थे, गुरु नानक देव थे, और दसवें गुरु जी जो थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था वो किसने किया था, तो वो किया था अर्जुन देव ने। अर्जुन देव यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने जो है संकलन किया था काय का, गुरु ग्रंथ साहब का, यानी बी नंबर बिल्कुल सही होगा। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, ये चीज़ आपको बतानी है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और लखनऊ में बतानी है, तब आपका प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी ये चीज़ भी आपको बतानी है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी ये जल्दी से बताना है भारत में, और प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता किसने की थी लखनऊ में ये चीज़ भी बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना अध्यक्षता की थी वो प्रेमचंद जी ने की थी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये स्थापना कब हुई थी दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ की, तो जल्दी से आप उत्तर बताएंगे कमेंट में। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं कि खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, चित्रलिपि से हुई, सामी से हुई, ब्राह्मी या फिर अरमेई की लिपि से हुई है, तो किस लिपि से हुई है। हाँ वेरी गुड, 1936 आपका बिल्कुल सही है। अब आपको खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति बतानी है, किससे हुई है खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि जो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और अरमेई की लिपि से हुई है। अरमेई की लिपि यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, अरमेई की लिपि से खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है। और अगले क्वेश्चन की ओर है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन आप पढ़ते हो ना, या रा ला वा है ना, तो ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है ना। और अगर इसको ऐसे पढ़ें कि यार लव है ना, और दोस्तों यार से लव किया जाता है, प्रेम किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, अंतस्थ से किया जाता है कि बाह्य से किया जाता है ना, बाहरी रूप से तो नहीं करते कोई लोग, दिखावटी तो नहीं करता कोई है ना, अंतस्थ से किया जाता है। बोले सर यार से लव किया जाता है तो अंतस्थ से किया जाता है ना, तो यार लव यानी कि या रा ला वा, इस प्रकार से इसको पूरा अगर जोड़ दो तो यार लव हो जाता है, और यार से लव किया जाता है अंतस्थ से, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। और अगला दोस्तों है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई की भाषा, या शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, मानक हिंदी यानी कि प्रश्न क्रमांक 44 का उत्तर बताना है, और 44 का आंसर क्या हो जाएगा, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, और आपका 44 का जो उत्तर होगा साहित्यिक पुस्तकों की भाषा है ना, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा जो होती है वो मानक हिंदी
कहलाती है साहित्यक पुस्तकों की भाषा। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, साहित्यक पुस्तकों की भाषा। और अगला क्वेश्चन है, मेवाती किस उपभाषा की बोली है? मेवाती, मेवाती बतानी है दोस्तों। आपको पता है कि जो सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है कौन सी? राजस्थानी। राजस्थानी निकली, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, इस सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषाएं हैं। अब राजस्थानी की भी कुछ उपभाषा हैं, है ना, तो राजस्थानी की जो उपभाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी की मेवाती, है ना, और मेवाती उत्तरी राजस्थानी कहलाती है, उत्तरी राजस्थानी, है ना, तो उत्तरी राजस्थानी यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा की उत्तरी जो उपभाषा है वो कौन सी है, या मेवाती जो है राजस्थानी भाषा का कौन सा रूप है, तो उत्तरी रूप माना जाता है, उत्तरी यानी कि उत्तर में बोली जाती है मेवाती। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है दोस्तों? संघ की राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, हिंदी के विकास के लिए निर्देश या पत्राचार की भाषा का, किसका वर्णन है? यानी 46 का आंसर बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। चार विकल्प बताना है दोस्तों। और कल दोस्तों क्या है? रक्षाबंधन है। कल क्या है? रक्षाबंधन है। और रक्षाबंधन में सभी लोग बताएंगे कि क्लास को रखना है कि नहीं रखना है, या फिर कल रिवीजन करवा दें। रिवीजन यानी कि रिवीजन वाला वीडियो आपको डाल दूंगा, सुबह भी रिवीजन और शाम को भी रिवीजन। जो अपने ट्रिकी वीडियो पढ़े हैं ना, वो रिवीजन वीडियो कल आएंगे, तो जिसको टाइम मिले वो देख लेना, नहीं तो बाद में देख लेना। और 351 में जो विषय का वर्णन किया है वो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, है ना, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 351 में सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है, ग्वालियर की बोली क्या है दोस्तों? ग्वालियर, ग्वालियर बताना है, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का इस प्रकार से नक्शा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करके नक्शा है इस प्रकार से, है ना, और यहाँ पर दोस्तों आपका ग्वालियर है, ग्वालियर, है ना, ग्वालियर। और ग्वालियर की जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है कौन सी? बुंदेली, बुंदेली, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भी कौन सी है? बुंदेली ही है, है ना, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, तो बुंदेली यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला बताना, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है दोस्तों? अपभ्रंश, अपभ्रंश बताना है पुरानी हिंदी, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, भारतेंदु या फिर ग्रियर्सन ने कहा है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले जो हैं वो कौन हैं? और चार में से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके 48 में। एक तो है दोस्तों साहित्यक अपभ्रंश को, अगर आपसे पूछा जाता कि जो है साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो आप बता देते रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यक अपभ्रंश को, है ना। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये दो क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आगे साहित्यक अपभ्रंश जुड़ जाता, साहित्यक, तो आपका उत्तर हो जाता रामचंद्र शुक्ल, लेकिन नहीं जुड़ा है, भगवान करे, अच्छा है नहीं जुड़ा, तो आप बी नंबर बता सकते हो। ठीक है, क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? चार विकल्प हैं, कौन सी भाषा शामिल नहीं है। सुबह 9:30 पर अपनी क्लास होती है हिंदी साहित्य की, है ना, तो हिंदी साहित्य की ट्रिकी वीडियो की क्लास आती है, वो ज़रूर देखना है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल नहीं है वो भाषा कौन सी है? बोडो है, भोजपुरी है, मैथिली है या फिर डोंगरी है। और आपको पता है दोस्तों कि जो भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी, ये शामिल नहीं है, जबकि जो मैथिली है, मैथिली शामिल है, है ना, मैथिली भी है, डोंगरी भी है, बोडो भी है, लेकिन भोजपुरी ए 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर भोजपुरी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव भवभूति की है, श्रीहर्ष की है, दंडी की है या फिर भारवी की है। और है ना,
भोजपुरी आप लोग देखते होगे ना, भोजपुरी, भोजपुरी जो फिल्म आती है मैं भी देखता हूँ कभी कभी, दिनेश लाल यादव जी की निरहुआ है ना, और वो कौन है खोसारी लाल, उनकी भी देखते हैं, बढ़िया फिल्में होती हैं है ना। सबसे अच्छी लगी थी मुझे वो फिल्म कौन सी, आपकी निरहुआ हिंदुस्तानी, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। और दोस्तों पूरी गांव पर आधारित थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी निरहुआ हिंदुस्तानी तो वो मूवी देखें, बहुत ही बढ़िया है। और मालती माधव यहाँ पर भवभूति की रचना है, यानी ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर भवभूति, मालती माधव के रचनाकार हैं भवभूति, और ए नंबर बिल्कुल सही होगा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, रोला की बात हो रही है यहाँ पर, रोला, रोला दोहा सोरठा है ना। और आपका रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बतानी है, और रोला की जब बात आती है तो रोला में भी कितनी होती हैं, 24 होती हैं, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर आपका 24 बिल्कुल सही हो जाएगा। रोला के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 24। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृति के लेखक नामवार से हैं, किस कृति के लेखक नामवार से हैं, आलोचना और काव्य, आस्था और सौंदर्य, दूसरी परंपरा की खोज, या भाषा और समाज। तो किस आलोचना, किस कृति के लेखक माने जाते हैं नामवार से? आपने पढ़ी होगी दोस्तों कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, और नई कविता के प्रतिमान, कविता की नई नए प्रतिमान, ये किसकी है, कविता के नए प्रतिमान, नए यानी कि नामवार, ठीक है, तो कविता के नए प्रतिमान नामवार की है, और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी नारायण शायद। तो नामवार जी की जो है वो कौन सी है, दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, यानी यहाँ पर आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही होगा, डी नंबर, ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज। द्वापर किसकी प्रसिद्ध कृति है, द्वापर, द्वापर बताना है, बहुत ही बढ़िया है, रामनरेश त्रिपाठी की तो मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी है, मानसी है ना, और कौन सी है, दो तीन रचना इनकी हमेशा पूछी जाती है रामनरेश त्रिपाठी की है ना। और द्वापर बताना है तो द्वापर की रचनाकार तो कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। द्वापर की रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि, राष्ट्रकवि हैं ये, राष्ट्रकवि हैं दोस्तों, और इनके दो उपनाम हैं, एक मधुप भी पूछा जाता है कि मधुप उपनाम से कौन लिखते थे, और एक इनका उपनाम है दद्दा है ना, दद्दा आपसे पूछा जाएगा कि दद्दा उपनाम किसका है, मधुप उपनाम किसका है, तो आपका उत्तर सीधा सीधा होगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, दद्दा उपनाम और मधुप उपनाम है इनके है ना। भाषा की प्रवृत्ति कैसी होती है, सरल से कठिन की ओर होती है, कठिन से सरल की ओर होती है, दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं होती। तो भाषा की जो प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है दोस्तों, वो कैसी होती है, कठिन से सरल की ओर है ना, कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, कठिन से सरल की ओर। सबसे पहले जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो हमें कैसी लगती है, बहुत कठिन लगती है, पहाड़ जैसी लगती है ना, कैसी लगती है, पहाड़ जैसी लगती है, कठिन लगती है, क्या भाषा, और भाषा की प्रवृत्ति होती ही है कठिन से सरल की ओर, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं तो ये सरल लगने लगती है, ठीक है, तो सरल से कठिन नहीं होती। बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सरल से कठिन की ओर, बिल्कुल नहीं होती, ये कठिन से सरल की ओर होती है भाषा की प्रवृत्ति, ठीक है। हाँ वेरी गुड कमलेश जी, क्वासी मानसी मिलन है ना, ये रचनाएं हैं रामनरेश त्रिपाठी की, ठीक है। प्रेमचंद घर में शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी, बहुत ही बढ़िया है, ये पूछी गई थी दोस्तों एलटी ग्रेट में, एलटी ग्रेट यूपी का एलटी ग्रेट होता है एक एग्ज़ाम, उसमें पूछी गई थी ये प्रेमचंद घर में है ना, प्रेमचंद घर में हैं, और प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी थी कौन थी, कौन थी, मैंने हमेशा अब आपको बताया है कि प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी थी शिवरानी देवी, पहले इनका विवाह हुआ था एक कुरूप महिला से, विवाह हुआ था दोस्तों कुरूप है ना, तो फिर
इनका विवाह हुआ किससे बाद में, शिवरानी देवी से, और शिवरानी देवी ने लिखी थी प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में, है ना। और अमृत राय इनकी पुत्र का नाम था प्रेमचंद जी के, अमृत राय, तो प्रेमचंद घरमान घर में शिवरानी देवी, है ना। और बट वृक्ष की छाया में जीवनी किसके जीवन पर आधारित है, जीवन पर आधारित बताना है दोस्तों। ये जो बट वृक्ष की छाया में ये जीवनी लिखी किसने है, कुमुद नागर ने, किसने लिखी, कुमुद नागर। यानी कि अगर इसकी रचनाकार आपसे पूछा जाता कि बट वृक्ष की छाया की रचनाकार कौन है, तो आप बता देते कुमुद नागर। लेकिन आपसे पूछा गया है कि ये किसके जीवन पर आधारित है, ये पूछा गया है, तो आपको बताना है कि ये अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है। यानी सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित लिखी किसने है, कुमुद नागर ने, है ना। तो बी नंबर आपका, ए सी नंबर इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही होगा, अमृतलाल नागर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है, अकाल पुरुष गांधी, ये तो कई बार पूछी गई है दोस्तों। अकाल पुरुष गांधी दिनकर की है, मोहन राकेश की है, जैनेन्द्र कुमार की है, या फिर अज्ञेय की है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जैनेन्द्र कुमार की, है ना। जैनेन्द्र कुमार की रचना है अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, जैनेन्द्र कुमार की है, है ना। और अगला बताना है माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें ये क्या है दोस्तों। माटी की मूर्तें हमने देखा था, ये राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना है, है ना। माटी की मूर्तें हमने याद कैसे कैसे किया था कि लोग क्या करते हैं, माटी की मूर्तें बना के वृक्ष के नीचे स्थापित कर देते हैं, है ना। माटी की मूर्तें बना के वृक्ष के नीचे स्थापित कर देते हैं, है ना। मिट्टी की बारात शिव मंगल से सुमन की है, और मिट्टी की माटी की मूर्तें आपका उत्तर होगा, ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र, रेखा रेखा रेखा, ये रेखा है, रेखा खींच दी थी लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा खींच दी, लक्ष्मण जी ने बोले इसके बाहर नहीं आना, इसके बाहर नहीं आना, और इसके बाहर सीता जी आई तो क्या हो गया था, हरण हो गया था, अपन को भी लक्ष्मण रेखा खींच देनी है, लक्ष्मण रेखा, इसके बाहर नहीं आएगा कोई। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है, क्या भूलूँ क्या याद करूँ, है ना। दस द्वार से स्वपान तक, नीड से निर्माण, क्या है, तो इनकी दोस्तों जो है वो कितने में, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है, हरिवंश राय बच्चन साहब की। और इनकी आपको ने पढ़ी होगी दो चट्टानें, दो चट्टानें मैंने आपको याद करवाई थी रचना, दो चट्टानें, बोले इनकी दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन साहब की, एक अभिषेक बच्चन एक अमिताभ बच्चन, दो चट्टानें हैं, है ना। और ये चार भागों में प्रकाशित है, चार भागों में, हरिवंश राय बच्चन की, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। बी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चार भागों में प्रकाशित है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तरुण के स्वप्न आत्मकथा के लेखक कौन है, तरुण के स्वप्न, ये तो मैंने आपको याद करवाई थी दोस्तों कि तरुण मतलब होता है क्या, होता है युवा, युवा होता है युवा, है ना। और हर युवा का सपना होता है कि हम सुभाष चंद्र बोस बने, ऐसे याद करवा दिया था आपको, है ना। तरुण मतलब होता है युवा, और युवा का सपना होता है कि हम भी क्या बने, सुभाष चंद्र बोस बने। तो तरुण के स्वप्न आत्मकथा के जो लेखक होंगे वो सुभाष चंद्र बोस होंगे, यानी बी नंबर सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है यहीं पर विराम देते हैं, है ना, आज की क्लास को विराम देते हैं। फटाफट से सभी लोगों जल्दी से बताएं, कल मैं क्या करूंगा कि दो वीडियो आपको डाल दूंगा और प्रीमियर चलेगा वो, है ना। पुराने वीडियो आपके जो
काय के हैं, ट्रिकी वीडियो हैं। जैसे हिंदी साहित्य अकादमी वाला जो वीडियो है, तीन पार्ट में है, उसका पूरा एक पार्ट आपका आएगा हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचनाएं, ठीक है, वो आपका सुबह आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, पथ पर चलने से मिलन हो गया और स्वप्न में मानसी आ गई, बहुत बढ़िया। कुरैशी जी, हरी राणा जी, पंकज सिंह जी, किरण यादव जी, बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर पाते वीडियो, अब उनके अंगूठे को हमें ज़बरदस्ती लगवाना पड़ेगा इस प्रकार से, है ना। किरण यादव, श्वेता सिंह जी, हम हिंदी जीके भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ा देते हैं, है ना, पर्यावरण भी पढ़ा देते हैं, बाल विकास भी पढ़ा देते हैं। अनिल मराबी जी, ममता जी, वेद जी, लालदास परवेज जी, उमा देवी जी, है ना, और यशवंत जी, पंकज जी, वेदराम जी, संध्या जी, हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है, मंजू, यश रत्ती जी, पंकज जी, तार सप्तक की ट्रिकी, तब तार सप्तक के कवियों की ट्रिक बता देंगे, दीना कोकला और पवनेश जी, प्रदीप जी, है ना। हाँ, पहले ही लाइक कर दिया है, वेरी गुड। ममता एमसी जी, ज्वाइन बटन ऐसा है कि जैसे आप कमेंट लिखते हो, ज्वाइन बटन में जो है चार्ज आपको देना पड़ता है, ज्वाइन ज्वाइन बटन अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है। और जैसे आप कमेंट लिखते हो तो स्पेशल आपको एक क्या मिलता है, इमोजी मिलता है आपके कमेंट के साथ, और आपका जो कमेंट है वो हाईलाइट देखेगा पूरे कमेंट में, है ना। जब भी आप कमेंट करोगे तो आपका कमेंट हाईलाइट देखेगा, सबसे अलग देखेगा, इसलिए ज्वाइन बटन में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं। अब जैसे ज्वाइन बटन इसलिए भी है कि जैसे जो कोई वीडियो ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए ही बस वीडियो डाला जा सकता है ना, और ज्वाइन बटन जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए स्पेशल चैट भी की जा सकती है, मतलब हमारे द्वारा और उनके द्वारा स्पेशल चैट हो सकती है, किसी भी बात में डिस्कस हो सकता है अलग से, है ना। केवल वीडियो, कुछ ऐसे वीडियो होंगे केवल उन्हीं को मिलेंगे जो ज्वाइन बटन जिन्होंने ज्वाइन किया है। फतेह सिंह जी, उमा देवी जी, हम 30 प्रश्नों में 100 प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। कितने प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, 100 प्रश्नों पर। एक्स्ट्रा जो नॉलेज अपना होता है, एक्स्ट्रा जो आपके प्रश्न होते हैं उनको तो मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ जो जहाँ निकलते हैं, है ना। सुगंधा जी, फतेह सिंह जी, परवेज जी, रवि कुमार प्रजापति जी, वेरी गुड, है ना, पंकज जी, किरण यादव जी, अनिल मराबी जी, रचनाओं की ट्रिकी वीडियो। अनिल मराबी जी, आपको आपने नहीं देखे क्या, रचनाओं के बहुत सारे वीडियो, ट्रिकी वीडियो दिए हैं, रचनाओं की ट्रिकी वीडियो देखो जरा, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, रोज़ सुबह 9:30 बजे ट्रिकी वीडियो आता है, रचनाओं का जो भी आता है वो सारी रचनाएं आती हैं ना। राधा जी, पवन जी, भते सिंह जी, सब्सक्राइब कर लो पवन कुमार जी, कर लो यार, कहाँ करना है, वो सब्सक्राइब वाला बटन दिया होगा वहीं कर दो। सरोज शर्मा, संजय जी, किरण जी, निकिता जी, किरण यादव जी, क्या क्या लिखा आपने, क्या आंसर चाहिए आपको। दारसु सहस्रा जी, हाँ बिल्कुल, एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन सभी लोगों को। और पूनम शर्मा जी, रघुवीर जी, सुबह 9:30 बजे होती है रघुवीर जी क्लास, सुबह 9:30 बजे हिंदी का ट्रिकी वीडियो आता है, ट्रिक से कुछ यहाँ वहाँ करके आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना, यहाँ का वहाँ कर दिया, वहाँ का यहाँ कर दिया, ट्रिक बन जाती है। परवेज कुरैशी, रोहित जी, ए के सक्सेना जी और राज ठाकुर जी हैं, फतेह सिंह जी हैं, व्हाट्सएप ऐप का लिंक सेंड कर दो, बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल पीडीएफ उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे, कृपा कृपा नहीं करा ही देंगे यार,
एके सक्सेना कंचन वर्मा जी। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। टेस्ट अपने जॉय सर हैं, रवि सर हैं, वो टेस्ट करवाते हैं, तो टेस्ट आपको मिल जाता है ना। संजय कुमार और उमा देवी जी, अच्छा एडवांस कर दीजिए। कैसा एडवांस करना है उमा देवी जी, कैसा एडवांस करना है बताओ। परवेज जी, रेगुलर जी, उमा जी आपका अध्ययन शायद अच्छा होगा इसलिए आपको साधारण प्रश्न लग रहे हैं, है ना। सुगंधा मौर्य जी, पंकज जी, मंजू बाला जी, यशरत्ति जी, पवनेश कुमार जी, किरण यादव जी, हिंदी सेकंड ईयर तक ही रहा है, लास्ट ईयर में आपको पीजीटी के लिए मतलब पीजी जरूरी होना है, मतलब इसमें पीजी होना जरूरी होता है। किरण यादव जी, फाइनल ईयर कंप्लीट होना जरूरी होता है टीजीटी और पीजीटी के लिए। कमलेश पाल, दीप प्रकाश जी, एके सक्सेना जी, है ना, ख़त्म हो गई। राजा राजलक्ष्मी, राजा लक्ष्मी, पंकज जी, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद दोस्तों, कल भी अपनी यथावत क्लास आएगी, जिसको टाइम मिलता है वो देखें, है ना, जिसको नहीं मिलता है वो बाद में देख लेना, ठीक है। तो सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास आएगी, रात में 9 बजे भी आएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही।